तीज पर्व को लेकर बाजार में महिलाओं की खूब भीड़ रही। साड़ी से लेकर श्रृंगार व पूजा की सामग्री की महिलाओं ने खरीदारी की, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मेहंदी लगाने वाले दुकानों पर महिलाएं पहुंचकर मेहंदी लगवाती नजर आईं। गुरुवार को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग के लंबी आयु की कामना के लिए हरितालिका तृतीया यानी तीज व्रत करेंगी। इसमें महिलाएं अन्न जल ग्रहण किए बिना पूरे श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को देवी पार्वती ने किया था, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई थी। इस दिन महिलाएं पूजन अर्चन तो करती ही हैं, साथ ही मां पार्वती की कथा भी सुनती हैं। तीज में सुहाग के सामान के महत्व को देखते हुए कई दुकानों पर सुहाग वाले डलियां बिकते नजर आईं। इस अवसर पर सामान विक्रेता और मेहंदी लगाने वालों ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार बाजार में रौनक नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डाल विक्रेता अमन सोनकर और मेहंदी की दुकान चलाने वाले सोनू तथा सुहागिन महिलाओं ने कहा, मार्केट में उतना खास नहीं है, देखिए सारा बचा हुआ अभी, मतलब उतना निकला कम निकला, ज़्यादा निकला है। क्या क्या रखे हैं डलिया में? वही सब जितने दान देने वाली चीज़ रहती है उतने में, सब चूड़ी है, लिपस्टिक का सब पाउडर, यही सब है। क्या क्या रेट है? 120 का, 100 का है, 200 का है, हर रेंज का है। सोनू, मार्केट तो कोई ख़ास नहीं है, पिछले साल की अपेक्षा इस बार भी जो है बहुत ज़्यादा रश है, बट शॉप से कस्टमर नहीं है, एकदम हल्का है, मतलब 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया इस बार मुझे लगता है। मेहंदी तो नॉर्मली लग रही है सब, बहुत ज़्यादा जो है कोई एक्साइटेड नहीं है मेहंदी लगाने के लिए कोरोना के वजह से, क्योंकि थर्ड वेव का भी कुछ अफवाह उड़ी है, आप सही है गलत है ये किसी को पता नहीं है, बट इसके वजह से थोड़ा सा जो है सोचना पड़ा है। मेहंदी लगवा रहे हैं वो तो एक शुभ चीज़ है, इसलिए लोग लगाते हैं मेहंदी लगाना चाहिए। स्टार्टिंग तो 200 से है, 2000 भी है, 5000 भी है, जैसा जो जैसा लगवा लें। अरेबियन है, अरेबिक है, आपकी राजस्थानी है, मारवाड़ी है, दुल्हन मेहंदी है, सब ब्राइडल मेहंदी है, सारी चीज़ जैसे भी आप लगवाना चाहते हो सब लग जाती है हमारे वहाँ। व्रत किस तरह सुनाती हैं? मेरा नाम अंबुजा तिवारी, शहनाज हुसैन की ओनर। सर देखिए, तीज व्रत माता पार्वती शिव जी के लिए थी, और जैसे ही माता पार्वती जी ने जिस तरीके से व्रत रह के और शिव जी को खुश किया था, तो हम महिलाएं भी उसी प्रकार अपने पतियों को खुश करने के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए हम व्रत रखते हैं। और ये व्रत में सबसे खास बात ये होती है कि ये निराजल होता है, हमें पूरे दिन पानी नहीं पीना होता है, बस हमने सुबह में जो भी आपने खाया हो उसके बाद आपको एक दिन एक रात पूरा रहना होता है। और हम ये व्रत इसलिए रहते हैं ताकि हमारे परिवार में सुख समृद्धि रहे, हमारे पति की लंबी उम्र रहे, ताकि वो हमारे साथ आजीवन तक, जब तक हम हैं तब तक वो रहें।